और दोस्तों YouTube चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे जेआईबी सेवियर बैंक प्रमोशन संदर्भ से। हम लोग बात कर बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का प्रोविजनल क्वेश्चन से क्लर्क्स ऑफिसर का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है हमारे पास जो कि प्योरली फॉर आपका बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर्स के सारे लेटेस्ट वीडियोस हो जाएंगे, ज्ञान ज्योति का वीडियो कोर्स हो जाएगा, संदीपनी सॉरी विजेता का वीडियो कोर्स हो जाएगा, संदीपनी का वीडियो कोर्स हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ, 3 या 4 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले भी सवाल पे आते हैं, द आरबीआई हैज इंस्ट्रक्टेड द बैंक्स टू एक्सटेंड एडिशनल मॉरेटोरियम पीरियड ऑफ पेमेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल अप टू। बोलता है कि आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था बैंकों की एक्सटेंड किया जाएगा एडिशनल मॉरेटोरियम पीरियड लोन के इंस्टॉलमेंट को पेमेंट करने के लिए, और उसका इंटरेस्ट और जो इंटरेस्ट होता है वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी के लिए उसको एक्सटेंड किया था मॉरेटोरियम पीरियड, या जिसको हॉलीडे पीरियड बोलते हैं। कब तक? यहाँ पे ए ऑप्शन है आपका 31/8/2023, ठीक है। बी ऑप्शन है आपका 31/12/2023, सी ऑप्शन है आपका 39/2023, डी ऑप्शन 36/2023। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए 31/8/2023। क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP इन बैंक ऑफ इंडिया टू एग्जामिन विलफुल डिफॉल्ट एंगल। विलफुल डिफॉल्ट एंगल को एग्जामिन करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया में कौन सी बात सही है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के संबंध में? ए ऑप्शन है ब्रांच विल एग्जामिन द केसेज ऑफ ₹25 लाख एंड अबव एंड बिलो ₹5 करोड़। ब्रांच एग्जामिन करेगा केसेज 50 लाख रुपए जब से ऊपर का है और जो 5 करोड़ से कम। बी ऑप्शन है जेडो LCB विल एग्जामिन द केसेज ऑफ ₹5 करोड़ एंड अबव एंड बिलो ₹50 करोड़। जेडो और LCB जो एग्जामिन करेगा आपका केसेज 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का केसेज 5 करोड़ रुपए जब से ज्यादा का और 50 करोड़ रुपए से कम का। सी ऑप्शन हो जाएगा हेड ऑफिस विल एग्जामिन द केसेज ऑफ ₹50 करोड़ एंड अबव, 50 करोड़ से ऊपर केस का हेड ऑफिस एग्जामिन करेगा। डी ऑप्शन है ऑल द अबव आर करेक्ट, सारी बातें सही है। जब हम बात करें डिफॉल्ट एंगल विलफुल डिफॉल्ट एंगल के संबंध में जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बैंक ऑफ इंडिया अपनाती हो क्या है, ये ऑप्शन बोला कि ब्रांच जो है एग्जामिन करेगा कैसे 50 लाख रुपए चाहे उससे ऊपर का बट 5 करोड़ रुपए से कम का, बात बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन हो जाएगा जेड ओ चाहे LCB भी एग्जामिन करती है 5 करोड़ रुपए चाहे उससे ऊपर का बट 50 करोड़ रुपए से कम, ये भी सही है। हेड ऑफिस एग्जामिन करती है 50 करोड़ रुपए का केस चाहे उससे ऊपर का, ये भी सही है। डी ऑप्शन है सारी बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 3 भाई, विच इज इनकरेक्ट विथ रिगार्ड टू पार्शियल राइट ऑफ इन बैंक ऑफ बैंक BOI मतलब बैंक ऑफ इंडिया के संबंध में कौन सी बात गलत है पार्शियल राइट ऑफ में? ये ऑप्शन है इट कैन बी डन इन ऑल NPA अकाउंट, सारे NPA अकाउंट में किया जा सकता है। बी ऑप्शन इट कैन बी डन टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोविजन हेल्ड, हम वहाँ तक कर सकते हैं जहाँ तक प्रोविजन रखा हुआ है। सी ऑप्शन इट कैन बी डन इन डाउटफुल एसेट्स कोड 33, डाउटफुल एसेट्स में जिसकी कोड रहते थे उसमें कर सकते हैं। डी ऑप्शन नॉट कवर्ड बाय सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के संबंध में ये कवर्ड नहीं है। सवाल है गलत क्या है, तो पार्शियल राइट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया कहाँ करेगा उसके संबंध में बात गलत वो बताना है, रॉन्ग। ठीक है, जो ये बोल रहे सारे के सारे NPA अकाउंट, देखो सारे के सारे NPA अकाउंट में नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। और बी ऑप्शन जो बोल रहा है इसको हम प्रोविजन जितना हेल्ड वहाँ तक कर सकते हैं, सही हो गया। हम इसे डाउटफुल एसेट कोड भी कर सकते हैं जिसका कोड 33 है, जो ऐसे कोड या वैसे सिक्योरिटी जो कि वैसा चीज या वैसा लोन जो कि सिक्योरिटी से कवर नहीं है, हम उसमें भी कर सकते हैं। डी ए ऑप्शन हो जाएगा जिसमें हम नहीं कर सकते सारे NPA अकाउंट्स, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू प्रूडेंशियल राइट ऑफ इन बैंक ऑफ इंडिया, प्रूडेंशियल राइट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के संबंध कौन सी बात गलत है? ये ऑप्शन है इट कैन बी डन इन डॉटफुल 3 एंड लॉस एसेट अकाउंट, हम कर सकते हैं डॉटफुल 3 या लॉस एसेट अकाउंट में। बी ऑप्शन है इट कैन बी डन वेयर 100% प्रोविजनिंग इज अवेलेबल एट द एंड ऑफ प्रीवियस क्वार्टर, हम इसे कर सकते हैं जहाँ 100% प्रोविजनिंग हेल्ड होता है प्रीवियस क्वार्टर में। डी ऑप्शन इट इज डन विदाउट इंपैक्टिंग द अकाउंट एट ब्रांच लेवल, ब्रांच लेवल पे ना अकाउंट को इंपैक्ट किया जाता है। डी ऑप्शन ऑल द अबव करेक्ट, सारी बातें सही है। कौन सा बात सही है इसमें से, गलत पूछ रहा है क्या गलत है? ठीक है रॉन्ग, ए ऑप्शन बोल रहा है कि पोटेंशियल राइट ऑफ जो बैंक ऑफ इंडिया होता है, ऑप्शन इट्स को हम डाउटफुल 3 में कर सकते हैं, लॉस एसेट अकाउंट में कर सकते हैं, बात सही है। बी ऑप्शन हो जाएगा हम इसे कर सकते हैं 100% प्रोविजनिंग अवेलेबल होगा प्रीवियस क्वार्टर के एंड में, ये भी सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसको हम कर सकते हैं बिना इंपैक्ट किए ब्रांच लेवल पर, ये भी सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव आर करेक्ट, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम गिवन टू द बोरोवर टू सबमिट हिज रिप्लाई टू शो द काउज नोटिस ऑफ द बैंक,
बिफोर डिक्लेयरिंग विलफुल डिफॉल्टर, विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर करने से पहले बैंक को शो कॉज नोटिस देना पड़ता है जहां बोरोर सबमिट कर पाएगा अपना रिप्लाई। उसके लिए ज़्यादातर समय कितना देती है बैंक? ए ऑप्शन है 7 डेज, बी ऑप्शन है आपका 15 डेज, सी ऑप्शन है आपका 10 डेज, डी ऑप्शन है आपका 30 डेज। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इस केस में 15 दिन का बैंक यहाँ पर आपको समय देती है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में ये, व्हाट इज डायरेक्ट इंपोर्ट बिल? डायरेक्ट इंपोर्ट बिल क्या होता है? ए ऑप्शन है व्हेन द शिपमेंट ऑफ गुड्स इज फ्रॉम द पोर्ट ऑफ लोडिंग और पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज विदाउट स्टॉपेज, बिना कोई स्टॉपेज के पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज हो रहा है, पोर्ट ऑफ लोडिंग हो रहा है जहां पे आप शिपमेंट ऑफ गुड्स कर रहे हैं, बी ऑप्शन है। व्हेन द इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स आर रिसीव्ड बाय द इम्पोर्टर डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ थ्रू हिज बैंक, बस जहाँ इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट जो इम्पोर्टर रिसीव कर डायरेक्टली अपने बैंक के थ्रू से, जो इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट है डायरेक्टली रिसीव कर रहा है इम्पोर्टर, डायरेक्टली इम्पोर्टर रिसीव कर रहा है, यहाँ बैंक का कोई रोल नहीं है, सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा वेयर द इम्पोर्टर इम्पोर्ट्स विदाउट एनी एजेंट टू अवॉइड चार्जेस एंड एक्सपेंसेस, बोले जहाँ इम्पोर्टर इम्पोर्ट करता है किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देता है एजेंट को ताकि अवॉइड कर सके चार्ज और एक्सपेंसेस को, डी ऑप्शन है। व्हेन द इम्पोर्टर विजिट द फॉरेन कंट्री एंड ब्रिंग गुड्स अलॉन्ग विथ हिम लाइक ड्यूटी फ्री शॉपिंग, जब इम्पोर्टर विजिट करता है किसी फॉरेन कंट्री में और लाता है कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर ड्यूटी फ्री शॉपिंग करके आ लाता है कुछ गुड्स, तो कौन सा हमें इम्पोर्ट बिल है, व्हाट इज इम्पोर्ट बिल, इसमें सवाल ये था क्या इम्पोर्ट बिल है। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा कि इम्पोर्ट बिल वो होता है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स रिसीव करता है इम्पोर्टर, वो भी डायरेक्टली रिसीव कर रहा है, ठीक है, शब्द क्या डायरेक्ट इम्पोर्ट बिल है ना, डायरेक्टली इम्पोर्टर रिसीव कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई बैंक के थ्रू रिसीव नहीं करता, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज व्हाट इज करेक्ट फॉर को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स, को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स की कौन सी बात सही है? ए ऑप्शन हो जाएगा अंडरटेकिंग टू मेक पेमेंट बाय थर्ड पार्टी बैंक टू द एक्सपोर्टर इम्पोर्टर, या अंडरटेकिंग ली जाती है जहाँ पे पेमेंट करेगा थर्ड पार्टी को यानी बैंक को एक्सपोर्टर इम्पोर्टर करेगा, बी ऑप्शन हो जाएगा पेमेंट विल बी मेड ऑन ड्यू डेट बाय थर्ड पार्टी इफ बायर इम्पोर्टर फेल्स टू मेक द पेमेंट, अगर बायर और इम्पोर्टर फेल करके पेमेंट करने के लिए तो पेमेंट जो है थर्ड पार्टी को यहाँ पे बैंक करती है, ठीक है। सी ऑप्शन है बैंक विच गारंटीज टू मेक द पेमेंट इज कॉल्ड को एक्सेप्टर, बैंक जो गारंटी देती है पेमेंट करने के उसके लिए उसे को एक्सेप्टर बोलते हैं, डी ऑप्शन ऑल द अबव सारी बातें सही है। तो कौन सी बात सही है को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स के संबंध में? जो ये ऑप्शन बोल रहा है कि अंडरटेकिंग लिया जाता है जहाँ पर पेमेंट करेंगे थर्ड पार्टी यानी बैंक से एक्सपोर्टर इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को या सेलर को, ये बात सही है। बी ऑप्शन जगह पेमेंट जो आप करेंगे ड्यू डेट पे थर्ड पार्टी के द्वारा जहाँ बायर और इम्पोर्टर अगर जहाँ पे बायर और इम्पोर्टर फेल कर जाते पेमेंट करने के लिए ड्यू डेट पर थर्ड पार्टी के द्वारा, ठीक है, वो हो जाएगा तो आप बैंक पेमेंट करते, सी ऑप्शन बैंक यहाँ पर गारंटी करती है पेमेंट करने के लिए, इसे हम बोलते हैं को एक्सेप्टेंस, डी ऑप्शन ऑल दम सारी बातें सही। क्वेश्चन नंबर 8, गुड्स मूव्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर एंड डू नॉट रीच इंडियन शोर एट ऑल, हाउएवर इंडियन ट्रेडर इज इन्वॉल्व फॉर बोथ द लेक्स, व्हाट टाइप ऑफ ट्रेड आर वी रेफरिंग टू हियर, बोलता है गुड्स जो भेजा जाते हैं कंट्री से दूसरे कंट्री में एक देश दूसरे देश में जाता है गुड्स जहाँ पे वो इंडियन शोर पर पहुंच ही नहीं पाता हालांकि इंडियन ट्रेडर इन्वॉल्व है दोनों ही लेग में, तो किस तरह का ट्रेड यहाँ पे हम रेफर कर रहे हैं? ये ऑप्शन है लोकल ट्रेड, बी ऑप्शन मर्चेंटिंग ट्रेड, सी ऑप्शन काउंटर ट्रेड, डी ऑप्शन है फॉरवर्ड ट्रेड, जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी मर्चेंटिंग ट्रेड को हम रेफर कर रहे हैं, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में, व्हेन ऑपरेशन इन फॉरेक्स आर कैरिड टू कवर द रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन इन फॉरेक्स रेट्स इट इज कॉल्ड, बोलते जहाँ ऑपरेशन फॉरेक्स कंट्री में करते हैं जिसको कवर किया जाता है रिस्क जो फ्लक्चुएशन होता है फॉरेक्स रेट्स में, इस तरह की चीज को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है स्वैप, बी ऑप्शन आर्बिट्रेशन, सी ऑप्शन हेजिंग, डी ऑप्शन स्पेकुलेशन, हम इस चीज को हेजिंग बोलते हैं, सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन ए पर्सन टेक्स एडवांटेज बाय सेलिंग एंड बाइंग ऑफ करेंसी इन टू डिफरेंट मार्केट्स टू टेक एडवांटेज ऑफ प्राइस डिफरेंशियल प्रिवेलिंग इन दिस मार्केट्स इज कॉल्ड, बोलते जहाँ पे कोई भी पर्सन एडवांटेज लेता है सेल करना बाय करना करेंसी को किसी दूसरे दो कंट्रीज मार्केट्स में ताकि एडवांटेज ले सके प्राइस डिफरेंशियल जो चल रहा होगा इन सभी मार्केटों में से हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन है स्वैप, बी ऑप्शन आर्बिट्राज, सी ऑप्शन हेजिंग, डी ऑप्शन स्पेकुलेशन, सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी आर्बिट्राज हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भाई, सॉरी अब हम आएंगे यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर के कोर्स कंटेंट होता है हमारे पास जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर्स की वीडियो हो जाएंगे, लेटेस्ट 6 सितंबर 2024 का ज्ञान ज्योति का वीडियो कोर्स हो जाएगा, विजेता का वीडियो कोर्स हो जाएगा, संदीपनी का वीडियो कोर्स हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में 3 हजार क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, इसका प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए,
ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं नंबर हो जाएगा 4x9685 27। फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbsfstudio.com। ईमेल आईडी जो सीट से डॉट थ्री @gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया था।